नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़, मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि आखिर क्रिकेट का बायो बबल क्या है। आइए हम आपको आज बताते हैं कि क्रिकेट का बायो बबल क्या है और साथ ही खिलाड़ियों को किन किन परिस्थितियों से इसमें गुजरना पड़ता है। बता दूँ कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि 2021 का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है और 9 अप्रैल को शुरू हो जाएगा दुनिया के सबसे रोमांचक T20 लीग का टूर्नामेंट का धमाल। लेकिन इस बार IPL का आयोजन भारत में ही होने वाला है क्योंकि कोरोना के नियमों की वजह से पिछला सीज़न भारत के बाहर कराया गया था। लेकिन इस बार हालांकि अभी भी देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक BCCI के द्वारा कोई भी आधिकारिक मैच को लेकर पुष्टि नहीं की गई है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्रिकेट का बायो बबल क्या है। बता दें कि बेहद साधारण यानी कि बोलचाल की भाषा में बताए तो एक ऐसा वातावरण है जिससे बाहरी दुनिया में रहने वाले लोगों का कोई संपर्क नहीं होता। इसमें रखे जाने वाले लोग बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं। यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी, कोचिंग और साथ ही स्पोर्ट स्टाफ, मैच ऑफिशियल, होटल स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया जाता है। इसके बाद सभी को बायो बबल में प्रवेश दिया जाता है। एक बार इसमें जाने के बाद किसी को यहाँ तक कि कोरोना टेस्ट करने वाले मेडिकल टीम को भी इसके बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। इस घेरे में वही लोग होते हैं जो कोरोना टेस्ट से गुजरे हों और पूरी तरह से संक्रमण से दूर हों। वहीं बता दूं तो इस घेरे में रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, यानी एक ऐसा घेरा जिसमें सिर्फ वही लोग रहते हैं जिनको जाँच के बाद यहाँ रहने की अनुमति मिलती है। बताते चलूँ तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के मुताबिक बायो बबल तोड़ने वाले को IPL कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के दोषी माना जाता है और उन्हें इसकी सज़ा भी मिलती है। अगर कोई खिलाड़ी बायो बबल से बाहर जाता है तो उसके ऊपर कुछ मैचों का प्रतिबंध भी लगाया जाता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने चेतावनी दे दी है कि बायो बबल तोड़ने पर खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यानी कि बात करें तो अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग के तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड भी बायो बबल से इनकार कर अपने स्वदेश वापस लौट गए हैं। कहें तो कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो बायो बबल में रहना नहीं चाहते और फिर इसमें ऐसे कई कड़े नियम होते हैं जिनको पृथकवास के दौरान यानी कि 6 से 7 दिनों तक खिलाड़ियों को कठिन दौर से गुजरना पड़ता है।